अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय यू चैनल मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप मुझे देख रहे हैं बहरीन से तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जी बांग्लादेश के लोगों के लिए वजारत दाखिलिया के वेबसाइट के ऊपर जो है एक न्यूज जो है बताई गई है जिसके अंदर जो है साफ साफ जो है बांग्लादेश के लोगों को पॉइंट किया गया है के बहरीन के अंदर हाई लिस्ट के अंदर जो क्रिमिनल क्राइम जो करते हैं उनमें बांग्लादेश के लोग जो पाए जाते हैं तो जिसमें जो है इलीगल वर्क भी हो जाता है या और किसी तरीके की एक्टिविटी जो लोग बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा जो है अक्सर पाए जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वजारत दाखिलिया ने वहाँ से जो है ये अपडेट जो है सोशल मीडिया पर और हर जगह जो है ये फैल रही है हाल फिलहाल में जो है एक एक्सीडेंट हुआ था आ, सी के अंदर सीतरा के नजदीक जो है पानी के अंदर समंदर के अंदर जो है आ, दो बोट जो है आपस में टकरा गई थी तो उसमें से जो एक बोट के अंदर जो राइडर थे वो बांग्लादेश के लोग थे मछुआरे थे यानी मछी वगैरह जो मछली वहां पर पकड़ते हैं और दूसरी तरफ जो है वो बैरीनी लोग थे यहाँ के यहाँ के जो सिटीजन हैं तो दोनों बोट आपस में टकरा गई थी उनमें से जो है एक बंदा जो है पानी के अंदर गिर गया था और काफ़ी दिनों के बाद जो है उसकी बॉडी को आ, काफी तलाश करने के बाद में जो है उसकी बॉडी जो है पुलिस को जो वहाँ पर मिली है तो इसी चक्कर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने जो बंग्लादेश के लोगों को हाई लिस्ट में रखा है आ, इलीगल क्राइम के अंदर और साफ साफ जो है उन्होंने मेंशन किया है कि बांग्लादेश के लोग जो है बहरीन का जो कानून है उसको फॉलो नहीं करते हैं इसका जो मतलब ये हरगिज नहीं है कि दूसरे लोग यहाँ पर गलत काम नहीं करते हैं हर कंट्री के लोग जो है वो कुछ ना कुछ गलत कामों के अंदर पाए जाते हैं चाहे वो कोई भी कंट्री हो लेकिन अक्सरियत जो है बांग्लादेश के लोगों की होती है और इसीलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ दाखलिया ने जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो है ये न्यूज़ को फैलाया गया है कि बांग्लादेश के लोग जो है हाई लिस्ट के अंदर है बहरीन के अंदर क्राइम के अंदर जो कि बहरीन के कानून की आ, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और इलीगल तरीके से जो है काम करते हैं वहीं पर जो लोग जो वहां पर बोट के अंदर मिले थे सीप के अंदर बांग्लादेश के लोग वो भी इलीगल थे शायद उनका वीजा वगैरह या वैलिड नहीं था तो इसी जो है बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही एक बुरी नज़र से देखा जा रहा है आज के टाइम पे बहरीन के अंदर और हर कोई जो है उसके ऊपर सोशल मीडिया है चाहे कैसे भी है तो बांग्लादेश को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से जो है बहरीन के अंदर जो है बांग्लादेश के लोगों का वीज़ा जो है वो बैन है नया वीज़ा अभी बांग्लादेश के लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि बहरीन ने बंद किया हुआ है और भी काफ़ी सारी कंट्री जो सारी जीसीसी की तकरीबन तकरीबन कंट्री है वहाँ पर अब बांग्लादेश के जो नए वीज़ा है वो बंद है नए वीज़ा नहीं निकलते हैं क्योंकि बंगलादेश अगर आप रेशियो निकालें तो बहुत ज्यादा लोग जो है बांग्लादेश से आते हैं काम करने के लिए गरीब तबके के लोग हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए लेकिन उनका जो ज़्यादातर जो है वो हिस्ट्री यही रहता है कि वो लोग आके कंपनी छोड़ देते हैं फिर दूसरा काम करते हैं और वीज़ा भी लंबे टाइम तक वो लोग नहीं लगवाते हैं इलीगल रहते हैं तो बहरीन गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न यही है कि आप लोग लीगल हो जाइए और अपना वीज़ा लगवाइए और लीगल तरीके से काम कीजिए दूसरी बात जो है ये बांग्लादेश के लोग जो बिल्कुल भी ऑफेंड ना हुई है कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा है जैसे कि फेसबुक और दूसरी जगह भी इस न्यूज़ को जो है शेयर किया गया है तो बहुत सारे लोग जो है ऑफेंड होते हैं कि क्यों बांग्लादेश का नाम जो है बदनाम किया जा रहा है तो इसमें बांग्लादेश का नाम बदनाम नहीं हो रहा है कुछ एक लोग जो है वो गलती करते हैं और उनकी वजह से जो है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है गलत नज़र से देखा जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही है और ये जो है खुद वजारत दाखिल की तरफ से उनकी वेबसाइट के ऊपर शेयर की गई है क्योंकि वो लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं और अपनी तरफ से कुछ भी कुछ ऐसे लगा के बात नहीं बोलेंगे क्योंकि इंफेक्शन करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके अंदर वो लोग जो भी उनको सच्चाई मिलती है वो लोग शेयर करते हैं यहाँ पर जो है मैं साइड पे जो है मेरे साइड के ऊपर जो है उस वेबसाइट की जो न्यूज़ है उसका स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर देता हूँ और किसी भाई को शक सुबह हो तो वो देख सकता है और डायरेक्ट जो है वजारती दाखिलिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पेज के ऊपर जाके साइड के ऊपर जाके भी जो है ये आ, न्यूज चेक कर सकते हैं और मेरा जो मकसद है वो किसी भी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की बिल्कुल भी नहीं है आ, मेरा जो मकसद है कि जो भी यहाँ पर बहरीन के अंदर जो न्यूज़ चल रही है और कुछ भी ऐसी अपडेट है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ ताकि आप लोग जो है इससे कुछ सीखें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं ऐसे गलत काम ना करें जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो आपके लोगों को तकलीफ हो आपकी कम्युनिटी को पूरी कम्युनिटी को आ, इसका जो है नुकसान हो तो बस मेरा जो मकसद यही था कि अभी ये न्यूज़ जो है यहाँ पर फैल रही है तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के आ, आप लोगों को साथ में जरूर शेयर करूँ वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में तब तक आप अपना और अपना सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफि